विपक्षी गठबंधन INDIA के नेताओं की तीसरी बैठक मुंबई में इस महीने के आखिर में प्रस्तावित है। इसके पहले गठबंधन के नेता और सहयोगी दल जिस तरह से किनाराकशी करने लगे हैं, उससे गठबंधन में अंत तक कितने नेता रहेंगे कि अभी अनुमान लगाना बेहद ही मुश्किल है। बिहार में विपक्षी गठबंधन की बैठक के ठीक पहले जीतन राम मांझी की पार्टी हमने किनारा कर लिया। उपेंद्र कुशवाहा ने JDU छोड़ नई पार्टी RLJD बना ली, तो वही महाराष्ट्र में NCP दो भागों में बट गई है। अब तो शरद पवार पर भी BJP डोरी डालने लग गई है। ये कोई दूसरा नहीं बल्कि खुद NCP के अध्यक्ष शरद पवार ही कहते हैं। वही उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी का साथ उसके नेता और सहयोगी दल छोड़ते जा रहे हैं, तो बिहार में भी यही स्थिति है। JDU से कुछ तो जा चुके हैं और कई के जाने की चर्चा है। दल बदल और खेमा बदल का सिलसिला शुरू। चुनावी मौसम में नेताओं का दल या खेमा बदलना कोई नई बात नहीं होती। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के विधायक दारा सिंह चौहान का विधायकी से इस्तीफा और भाजपा में वापसी को इसी कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। उनके पाला बदल की बात कतई नहीं चौंकाती, क्योंकि वो पहले भी भाजपा में थे। वाराणसी में शालिनी यादव ने भी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया है। सपा के सहयोगी RLD नेता जयंत चौधरी भी सपा का साथ छोड़ने की तैयारी में है। तो वही भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी सपा का साथ छोड़ते वक्त ये कहा भी था कि समाजवादी पार्टी के कई विधायक अखिलेश यादव से नाराज हैं। वो पार्टी छोड़ने की तैयारी में है। अगर ये क्रम जारी रहा तो भाजपा UP के पूर्वांचल से पश्चिमी UP तक अपनी ताकत बढ़ाने में कामयाब हो जाएगी। UP फतह के लिए BJP की मुकम्मल रणनीति। दरअसल BJP UP में अपनी फतह के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पकड़ रखते हैं। शालिनी यादव पूर्वांचल में सपा का खेल बिगाड़ना या ना बिगाड़ पाए, पर सपा की जातिया गोलबंदी यानी यादवों की एकमात्र पार्टी होने का दम्भ तो उन्होंने तोड़ ही दिया है। वही दारा सिंह चौहान की पूर्वांचल में तकरीबन 1.5 दर्जन सीटों पर पकड़ है। भाजपा सरकार में वो मंत्री भी थे। चुनाव पूर्व सपा नेताओं या उसके सहयोगियों का अखिलेश यादव से अलग होना निश्चित ही नुकसान का दायरा बढ़ाएगा। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक पाला बदलने वाले नेता भाजपा की ताकत में यकीनन इजाफा करेंगे। ये सपा के लिए शुभ नहीं है। जाट समुदाय के नेता जयंत चौधरी हैं, दारा सिंह चौहान गैर यादव OBC से आते हैं, तो वही शालिनी सपा की आधार जाति यानी कि यादव समाज से आती है। मसलन जातीय ध्रुवीकरण तोड़ने की ये BJP की कोशिश है। मायावती और अखिलेश यादव की ताकत जातीय गोलबंदी ही मानी जाती है। ओम प्रकाश राजभर दोबारा NDA में लौटे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अब NDA में लौट आए हैं। भाजपा के साथ वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। पहली बार उनकी पार्टी का गठजोड़ 2017 में NDA से हुआ था। वो मंत्री भी बने। साल 2017 में ओम प्रकाश राजभर ने योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और उनकी पार्टी ने सपा के साथ 2022 का UP विधानसभा चुनाव लड़ा। अब वो भाजपा के साथ है, यानी भाजपा ने UP में सपा के सफाई की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। अभी तक विपक्षी दल एकजुटता के नाम पर सिर्फ बैठते रहे हैं। सीटों का बंटवारा और PM का फेस सबसे बड़ी चुनौती है। बंगाल में ममता बनर्जी को लेकर अब उनकी पार्टी का नारा बुलंद भी होने लगा है। बोलचे बंगलार जनता, PM होके ममता, मतलब बोल रही बंगाल की जनता PM बने ममता। ये विपक्षी गठबंधन पर दबाव की ममता की पहली चाल है। सीटों का मामला सुलझाना अभी बाकी है, यानी PM फेस घोषित होने से पहले ही दबाव। क्या इस हालत में विपक्षी एकजुट रह पाएगा? नहीं रह पाया तो PM नरेंद्र मोदी का मुकाबला कैसे कर पाएगा? ये बड़ा सवाल इस वक्त उठ रहा है।